एसटीएन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम रोज एक नई शख्सियत से रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र नेहर जी हैं। महेंद्र नेहर जी से साहित्य से संबंधित कई जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं महेंद्र नेहर साहब से। नमस्कार आपका। नमस्कार। हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत खुशी हुई कि आप इस तरह का साहित्यकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और या उनकी रचनाओं को आप जनता तक ले जा रहे हैं। नेह साहब, आप अपना जीवन परिचय बताएं, आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपने किस साहित्य की ओर और कब अपना रुख किया? देखिए दिनेश जी, साहित्य से तो मेरा जो वो है, जो तादाद में है, वो बचपन से ही था। मेरे पिताजी विश्वम्भरनाथ चतुर्वेदी शास्त्री जी मथुरा के सुभाष इंटर कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे, लेकिन वो अंत्याक्षरी प्रतियोगिता पूरे ज़िले में करवाते थे सभी कॉलेज स्कूलों में, और उसमें जो उस समय के जो बड़े साहित्यकार होते थे उनकी रचनाओं को वो सिखाते थे। तो तभी से मेरा बचपन से ही आप समझ सकते हैं कि मेरा साहित्य से जुड़ाव हो गया। आपकी जो शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और आपका क्या व्यवसाय रहा? हाँ देखिए, शिक्षा दीक्षा तो मैं मथुरा में, मैंने प्रेम महाविद्यालय पॉलिटेक्निक है तो वहाँ से मैंने पॉलिटेक्निक की शिक्षा उत्तीर्ण की, और उसके बाद मैं कोटा आया, लेकिन कोटा आने से पहले ही वहाँ मथुरा में साहित्य की दुनिया में मैं बहुत यंग था जब से लिखने लग गया, करीब 10वीं 11वीं कक्षा का छात्र था, और फिर डिप्लोमा तक आते आते तो मैं कोई अपने मुंह से बड़ा ही नहीं करना चाहता, लेकिन एक पहचान, एक कवि के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में मेरी पहचान वहीं मेरे छात्र जीवन में ही बन गई थी। नेह साहब, आपके लेखन के जो गुरु थे वो कौन है, कौन थे जिनसे आपने ये विधा सीखी, नाम बताएं? जी हाँ, मेरे जो कहना चाहिए कि कविता के जो गुरु थे वो प्रीतम जी एक कवि थे, मिश्रा जी थे, और प्रीतम वो उपनाम से कविताएं लिखते थे ब्रजभाषा में। तो मैं चूंकि ब्रजभाषा मथुरा में पैदा हुआ यमुना किनारे, और मैं छीस्वामी जी जो आश्रय छाप के बड़े कवि हैं, आठ सूरदास कुंभन दास, उन्हीं में छीस्वामी हैं, तो मुझे ये भी एक सौभाग्य मिला कि मैं छीस्वामी जी की वंश परंपरा में पैदा हुआ। तो हमारे परिवार को भी उसी तरह से वहाँ देखा जाता है कि हम छीस्वामी जी के वंशज हैं। तो मेरा जो कहना चाहिए कि प्रीतम जी ने मुझे छंद लिखना सिखा, सवैया और छंद जो ब्रजभाषा के हैं, कुंडली, इन छंदों से तो मेरा जो प्रारंभ है वो ब्रजभाषा की से ही है, और फिर तो जुड़ते गए। और इसी बीच एक और गुरु मेरे जो हैं, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर विजयवल्लभ मिश्रा, वो मेरे नाटक के गुरु थे, क्योंकि दोनों जब मैं छात्र जीवन था तो मैं जितना कविता के क्षेत्र में काम करता था उतना ही नाटक के क्षेत्र में काम करता था। तो उनकी कला भारती संस्था थी, वैसे वो पृथ्वी थिएटर मुंबई है, वहाँ से वो काम करते थे, नाटकों में, फिल्मों में काम करते थे। तो वो उनको मथुरा आना हुआ तो वहीं पे हमारा परिचय हुआ, और मैं मिश्रा जी के साथ नाटक की दुनिया में भी उनके साथ प्ले करने लगा, और बाहर तक भी हम लोग नाटक करने जाते थे। तो इस तरह से मेरा दोनों जो विधाएँ थीं वो मथुरा में ही, छात्र जीवन में ही मुझे ये सौभाग्य मिल गया कि मैं उनसे जो है उनमें भाग लेने लग गया और मेरी पहचान भी बनती गई। नेह साहब, आपने कौन कौन सी कृति है जो कौन कौन सी विधा में जो आपने लिखा वो बताएं हमारे दर्शकों को? जी हाँ, जी हाँ, देखिए जैसे मैंने बताया कि मैंने ब्रजभाषा से प्रारंभ किया लिखना, लेकिन ब्रजभाषा के साथ साथ मैं गीत, मेरे ख़ास तौर से मेरी मुख्य विधा रही मथुरा में भी, और गीत मैं वहाँ लिखने लग गया। तो मेरे जो हिंदी के गीत हैं वो हुए, उसके साथ साथ वहाँ आकाशवाणी थी मथुरा में, तो आकाशवाणी से भी मेरा जुड़ा हुआ,
और वहाँ पे मेरी वार्ताएं जो विभिन्न विषयों पर, ब्रज की लता पताओं के ऊपर, ब्रज के पशु पक्षियों के ऊपर, ब्रज के तालाबों के ऊपर, इस तरह से मैंने वार्ताओं में गद्य लिखना भी शुरू कर दिया। और शनै शनै मैं अतुकांत भी उसी समय छंदबद्ध के साथ साथ जो छंद मुक्त कविता है, निराला जी का मुझ पर प्रभाव पड़ा और मैं छंद मुक्त कविताएं भी निराला जी से प्रेरणा लेकर छंद मुक्त कविताएं भी लिखने लग गया। नेह साहब, आज एक जो साहित्यकार होता है वो एक समाज का दर्पण होता है जी। आज जो साहित्य में भटका हुआ रहा है जी, उसका मूल कारण क्या मानते हैं? देखिए क्या है कि साहित्यकार जो है वो भी एक प्राणी है जो इसी समाज में रहता है, तो समाज में आने वाले जो कहना चाहिए बुरी प्रवृत्तियां हैं और अच्छी प्रवृत्तियां, हम ये कह सकते हैं, तो साहित्यकार के ऊपर भी दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि साहित्य अपने आप में प्रयत्न, साहित्य का जो मुख्य प्रयोजन है या कहना चाहिए कि कला का जो मुख्य प्रयोजन है, वो हमें एक बेहतर मनुष्य बनाने की तरफ प्रेरित करता है कला और साहित्य। और हम प्रेरणा लेते हैं जो पुराने, केवल भारत के नहीं, हर भाषा के, हिंदी के, विभिन्न भाषाओं के, और जो विदेशी यूरोपियन भाषाएं हैं, अमेरिकन भाषा है, रूस के साहित्यकार हैं, उनसे भी हम प्रेरणा लेते हैं। तो साहित्य का मतलब है कि साहित, अगर हित, अगर कोई समाज का हित नहीं कर रही कोई रचना, कोई साहित्यकार अगर समाज से जुड़ा हुआ नहीं है और समाज की बेहतरी के लिए वो नहीं सोचता है, तो मैं समझता हूँ कि वो द्वितीय नंबर या थर्ड ग्रेड का साहित्यकार हो सकता है। वो उच्च श्रेणी का साहित्यकार अगर प्रेमचंद बनना है, निराला बनना है, शरदचंद्र बनना है आपको, तो आपको समाज के प्रति एक ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपको काम करना होगा। नेहा साहब, आप किन किन संगठनों से जुड़े हुए हो? हाँ देखिए, यहाँ कोटा आने के बाद मैं वैसे यहाँ पे मैंने बीए और एमए किया, हिंदी में एमए किया, और क्योंकि अगर जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं उसका अगर बुनियादी अध्ययन आपको नहीं है तो आप कोई, मैं नहीं समझता कि आप कोई बड़ा काम कर पाएंगे। तो संस्था यहाँ पर भारतेंदु समिति थी, भारतेंदु समिति से जब मैं आया यहाँ पर 1968 में, मैं 20 साल का था उस समय, और श्रीराम रेल्स में मैंने नौकरी करनी शुरू की डीसीएम में, एक कलाकार के रूप में मैं आया यहाँ पे मिश्रा जी के साथ अपने गुरु के। तो मैं एक तो कला भारती से जुड़ा था स्टूडेंट लाइफ में, यहाँ आने के बाद मैं भारतीय समिति की जो गोष्ठियाँ होती थी उनमें भाग लेता था। उसके बाद सर्जना संस्था, ब्रजेंद्र कौशिक हैं, वहीं रामपुरा में रहते थे वो, भारतीय समिति के बराबर ही, तो उनका घर भी एक केंद्र था, तो सर्जना संस्था वो चलाते थे, तो मैं उसके बाद सर्जना संस्था में कौशिक जी के, जो गुलकन जी, कौशिक जी, ठाड़ा साहब, इनके साथ मैं जुड़ गया। कालांतर में हमने संगम संस्था, जो प्रेम मिश्रा यहाँ के अच्छे साहित्यकार थे और साहित्य प्रेमी भी थे बहुत बड़े, तो उन्होंने एक संगम हिंदी उर्दू और हाड़ौती, तीन भाषाओं की एक संस्था बनाई, तो मैं संगम से, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं संगम से जुड़ गया। संगम के बाद फिर हमने जनवादी लेखक मंच बनाया, जनवादी लेखक संघ निर्मित किया, और अब पिछले आप समझिए करीब 2001 से हम लोग विकल्प जन सांस्कृतिक मंच कोटा, तो मैं विकल्प से उसके बाद, बल्कि जुड़ना नहीं है बल्कि उसका जनवादी लेखक संघ भी हमने बनाया, और ये उसके बाद जो विकल्प जन सांस्कृतिक मंच है उसको भी गठन हमने कोटा में यहाँ के साहित्यकारों के साथ मिलकर किया। जो ये विकल्प संस्थान है इसका ध्येय क्या है? देखिए विकल्प का, वैसे मैं बताऊँ आपको कि मैं महासचिव हूँ, पूरे भारत में इसकी संस्था है, केवल कोटा की संस्था नहीं है, पूरे देशव्यापी संस्था है, और ख़ासतौर से बिहार में बहुत जिले, हर जिले में और बहुत सारे गाँवों में, तहसीलों में हमारी संस्था है। तो जो विकल्प का उद्देश्य है वो है कि सामाजिक परिवर्तन, मतलब साहित्य को समाज का केवल दर्पण नहीं होना चाहिए, वो जो वर्तमान समाज है, जो कुरीतियाँ हैं इसमें, बहुत सारे अस्वस्थ, जैसे आपने जिक्र किया कि पीला साहित्य होता है एक,
जो आदमी को पतन की ओर ले जाता है। साहित्य दोनों तरह का होता है, आपको निराशा भी दे सकता है और आशा भी भर सकता है। तो हमारा साहित्य आशावादी साहित्य है, जनता जो सोई हुई है उसको जागरण करने का साहित्य है, चेतना फैलाने का साहित्य है, और सामाजिक परिवर्तन, जिस तरह से शहीद भगत सिंह और उनके साथी थे, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो काम, रिवोल्यूशनरी काम भगत सिंह और उनके साथियों ने किया, भगत सिंह बहुत बड़े लेखक भी थे, एक बड़े पत्रकार भी थे, तो हम लोग जो निराला हैं, प्रेमचंद हैं, जो प्रगतिशील साहित्य जिन्होंने लिखा, और साहित्य को केवल कला कला के लिए नहीं बल्कि कला मनुष्य के लिए, कला समाज के लिए, ये हमारा ध्येय है विकल्प का। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी इन जो तमाम चीज़ें हैं उनको अपनी पत्रिका अभिव्यक्ति के माध्यम से और तमाम माध्यमों से मैं व्यक्त करता हूँ। नेहा साहब, आपकी मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी हैं, आप बताएं दर्शकों को। देखिए, मेरी जो बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो छपी हुई हैं, तमाम देश की जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनमें मैं शुरू से ही, जब मैं मथुरा में था तभी से मैं वातायन, जो हरीश भादानी जी बड़े कवि थे हमारे राजस्थान के बीकानेर के, उनकी पत्रिका में मेरी रचनाएं छपती थी। और अब मैं गिनती तो नहीं गिन सकता, लेकिन मैं एक संकलन जो मेरा सबसे पहले आया, काव्य संकलन, गीतों का संकलन है वो, उसमें गजलें भी हैं, तो सच के ठाठ निराले होंगे, ये सबसे पहले मेरा गीत संग्रह प्रकाशित हुआ। और उस गीत संग्रह के बाद थिरक उठेगी धरती, एक फ्री वर्स पोइट्री जो मुक्त छंद कविता है, उनका संग्रह आया। फिर उसे नहीं मालूम एक लघु कथाओं का संग्रह है, वो प्रकाशित हुआ। और उसी दौर में मेरे पद हमें सांस ने मारा इस नाम से प्रकाशित हुए। उसके बाद हम सब निग्रो हैं, फिर गीत संग्रह आया, मेरी जो जनवादी क्रांतिकारी कविताएं हैं उनका संग्रह प्रकाशित हुआ। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट एक भगत सिंह चालीसा, जो 2 साल पहले भगत सिंह की जो जयंती मनाई गई थी, उस किसान आंदोलन चल रहा था, उसी में मेरा विमोचन जो है भगत सिंह चालीसा, जिस तरह हनुमान चालीसा है उसी तरह से भगत सिंह को मानते हुए मैंने भगत सिंह चालीसा लिखी, वो प्रकाशित हुई। और अब अभी समकाल की जो कविताएं हैं उसमें जो कवि प्रकाशित हुए हैं दिल्ली से, तो फ्रेंड्स पब्लिकेशन के द्वारा, तो उसमें समकाल की कविताओं में मेरी एक संग्रह महेंद्र ने की कविताएं नाम से एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। नेह साहब, आप हमारे दर्शकों को एक पसंदीदा अपनी रचना सुनाएं। जी हाँ, देखिए मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कुछ दोहों से जी। और ये जो दोहे हैं वो 2-3 दोहे से फिर मैं आगे गज़ल या गीत सुनाऊंगा आपको, जो मेरी मुख्य विधाएं हैं, और 1-2 मुक्त छंद की कविता भी सुना दूंगा। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ कर रहा हूं दोहों से। एक दोहा है मेरा, जीत गई रण, शाम का चित्र है देखिए आप, संध्या का चित्र, जीत गई रण बांकुरी हुई पराजित घाम। जीत गई, एक बच्ची है, महिला है, वो सिर पर गट्ठर जो बांधे हुए लकड़ियों का, और वो पहाड़ी से उतर रही है, आप दृश्य देखिए शाम का, कि जीत गई रण बांकुरी हुई पराजित घाम, और गट्ठर धारे शीश पर उतर रही है शाम। ये शाम का चित्र है। एक और चित्र देखिए आप, कि चिंदी चिंदी बीनती फिर भी नहीं हताश, चिंदी चिंदी बीनती फिर भी नहीं हताश, वह कूड़े के ढेर में जीवन रही तलाश, वह कूड़े के ढेर में जीवन रही तलाश। तो एक दोहा और मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, वो जो किसान है उसकी ज़िंदगी क्या है वो देखेंगे आप कि कितनी एक मार्मिक व्यथा है किसान की। भरी दोपहरी जेठ की, भरी दोपहरी जेठ की, दिन भर जोते खेत, और सांझ हुई अंधियार में सूरज पड़ा अचेत, सांझ हुई अंधियार में सूरज पड़ा अचेत। और उसके बाद मैं आपको, मौसम के बदलने को लेकर है ये मेरी गजल है, कि सृष्टि का कण कण उबलता है,
सृष्टि का कण कण उबलता है तब कहीं मौसम बदलता है। यातना का दौर लंबा है, दर्द रग रग में पिघलता है, तो अनगिनत टूटे हुए सपने, अनगिनत टूटे हुए सपने जोड़ने को मन मचलता है। तो जो चलेगा वो गिरेगा भी, जो चलेगा वो गिरेगा भी, गिर के ही इंसान संभलता है। और शेर देखें आप कि वो समंदर लांघ जाएगा, वो समंदर लांघ जाएगा जो नदी के साथ चलता है। और आखिरी शेर देखें आप कि कांपता होगा कोई जंगल, कांपता होगा कोई जंगल, आदमी घर से निकलता है, आदमी घर से निकलता है। एक गज़ल और इसी क्रम में मैं आपको सुना देता हूँ। एक जागरण का गीत है जो है, उजड़ी हुई बस्ती के लोग जागने लगे, उजड़ी हुई बस्ती के लोग जागने लगे, फिर जिंदगी के रास्ते तलाशने लगे। उजड़ी हुई बस्ती के लोग जागने लगे और फिर जिंदगी के रास्ते तलाशने लगे। तो एक लहर उठ रही है जहाँ खून गिरा है, एक लहर उठ रही है जहाँ खून गिरा है, उस खून पे नौजवान खुद को वारने लगे। तो बंदूक बड़ी है या आदमी के इरादे, बंदूक बड़ी है या आदमी के इरादे, पूछा जो हमने यार बगल झांकने लगे। तो हलचल मची है फिर से अंधेरी सुरंग में, हलचल मची है फिर से अंधेरी सुरंग में, और जब से उजाले अपना घर संवारने लगे। देखिए हलचल मची है फिर से अंधेरी सुरंग में, जब से उजाले अपना घर संवारने लगे। तो अब आंधियों के शोर से डरते नहीं हैं लोग, अब आंधियों के जोर से डरते नहीं हैं लोग, मुरझाए चेहरे सिर पे कफन बांधने लगे, उजड़ी हुई बस्ती के लोग जागने लगे, फिर जिंदगी के रास्ते तलाशने लगे, फिर जिंदगी के रास्ते तलाशने लगे। नेहा साहब आपने बहुत अच्छी रचना हमारे दर्शकों को सुनाई। नेहा साहब आज की युवा पीढ़ी को साहित्य में, साहित्य के रूप में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए जो हमारी नई पीढ़ी है वो अभी साहित्य से कटी हुई है काफ़ी हद तक, जैसे हमारा जो युवावस्था थी उसमें जिस तरह से जो युवा पीढ़ी थी वो साहित्य की तरफ आकर्षित काफ़ी थी, लेकिन अब जो बहुत सारे कारण हैं, एक तो ये जो डिजिटल दुनिया आ गई, इस डिजिटल दुनिया की तरफ उनका बढ़ गया है, और किताबें छप रही हैं साहित्य की, नौजवान आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका रुझान कैरियर जो बनाने की तरफ, देखिए साहित्य तो आपसे कुछ समय मांगता है, आपसे कुछ बलिदान मांगता है, आपकी ज़िंदगी में वो दोनों चीज़ें, आप एक साहित्यकार भी हों और बहुत सारा पैसा भी कमा लें, ये थोड़ा सा कठिन काम है। अधिकतर साहित्यकारों ने घर फूंक तमाशा देखा है ना, तो साहित्यकार को जब समाज के लिए लिखता है, समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है, तो निश्चित रूप से आज के जो नौजवान हैं उन वो पीढ़ी आज बेरोजगारी से त्रस्त है, अपनी खुद की समस्याओं से त्रस्त है, आज की पीढ़ी दिशाहीन है, क्योंकि आज उसको दिशा देने वाले बहुत कम लोग हैं, भटकाने वाले लोग ज़्यादा हैं, नशेबाजी बढ़ रही है युवकों के बीच में, बहुत सारे दूसरे भटकाव हैं जिनमें वो पड़े हुए हैं, और वो मैं समझता हूँ कि साहित्य के प्रति जो उनका समर्पण होना चाहिए, क्योंकि साहित्य तो हमें नई ज़िंदगी देता है, साहित्य हमें जीने के नए तरीके सिखाता है। तो अभी थोड़ा फर्क है, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ, नई पीढ़ी आ रही है और वो शनै शनै जब अपनी निराशा से उभरने के लिए उसे निश्चित रूप से साहित्य के पास आना होगा, और साहित्य के इसी यही संदेश मैं आप देना चाहता हूँ। नेहा साहब आज देखते हैं कि साहित्यिक मंच राजनीति का अड्डा बन गया है,
फुअड़ता हंसी के टीटोले के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ये ऐसा क्यों आज साहित्य जो साहित्य समाज को सही दिशा देता है आज एक हंसी टिटोली के रूप में मंच सुसज्जित हो रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि इसका कारण केवल राष्ट्रीय नहीं है या लोकल नहीं है, जो इसका कारण है ग्लोबलाइजेशन। पूरी दुनिया में जब से जो ये ग्लोबलाइजेशन नाम से जो उसको हम बाहर अपने हिंदी साहित्य में उत्तर आधुनिकता का नाम देते हैं, तो उत्तर आधुनिकता ने कहा कि विचार का अंत हो चुका है, उसने कहा कि अब इतिहास का अंत हो चुका है और कविता का भी अंत हो चुका है। तो ये जो घोषणा है अमेरिकी जो थिंकर्स थे उन्होंने, क्योंकि बड़ा फ़र्क पड़ता है अमेरिका और यूरोप के विचारों से आज भी, चूँकि हमारे भारत में अमेरिका यूरोप का खाना, अमेरिका यूरोप की पहनावा, उसकी शिक्षा, तो फिर साहित्य पर प्रभाव क्यों नहीं डालेगी? तो हमारे जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण का जो एक आर्थिक ढांचा है, उसने हमारे यहाँ फुहड़ता पैदा की है, उसने हमें दिशाहीन किया है, और उसके अनुसरण करने वाले जो साहित्यकार यहाँ पैदा हुए, जिन्होंने आप देखेंगे जो आप टीवी देखते हैं हम लोग, तो उसमें एक युवक है वो तीन युवतियों से प्रेम कर रहा है, एक युवती चार युवकों से फंसी हुई है। तो ये जो टीवी कल्चर है और उसने, और फिल्मों में भी आप वो फिल्में जो एक ज़माने में हमारे बैजू बावड़ा जैसी फिल्में आती थी, जागरण जैसी फिल्में आती थी, बूट पॉलिश जैसी फिल्में आती थी, तो कला का इनॉल, कला का ह्रास हुआ है, साहित्य का पतन हुआ है, और इसी से हमारी जो समाज है उसका भी पतन हुआ है। और इस पतन से निकलने के रास्ते हम जैसे कुछ कला साहित्यकार हैं वो तलाश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हम स्वस्थ साहित्य की ओर नौजवान पीढ़ी को ले जाएं, साहित्यकारों को ले जाएं, ये बड़ी बात है। तो साहित्यकारों में भी वो भटकाव मौजूद है, कोशिश जारी है। दो तरह की दुनिया है, एक तरफ तो भोगवादी दुनिया है और एक है त्यागवादी। तो हम त्याग की जो मिसाल है, जो हमें महात्मा गांधी से मिली, जो हमें हमारे तिलक जी से मिली, जो हमें हमारे पुरोधाओं से मिली, भगत सिंह से मिली, तो वो जो त्याग की अवधारणा कमज़ोर है। भोगवाद, जो उपभोक्तावाद जिसको कहते हैं आप, उसका पूरा परचम फैला रहा है इस, लेकिन हम हारे नहीं हैं। और लेकिन आपने बहुत कम सुना गीत वगैरह, अगर मैं चाहता था कि एक आध गीत, और क्योंकि मैं मुख्य रूप से गीतकार हूँ, तो अगर एक दो गीत अगर आप मुझे मौका देते, एक गीत दर्शकों को सुनाएं। साहब आप आपके गीत सुनाइए जिस विधा से आपने जिन बखूबी से गीत लिखे हैं। मैं आपको गीत सुना रहा हूँ, और आज जो वातावरण है, आजकल जो धर्म का जो वातावरण है हमारे देश में, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम और जिस तरह के सांप्रदायिक वातावरण बना हुआ है, तो एक गीत समझाएं या इसको गज़ल समझाएं। एक मेरा बहुत मशहूर ये गज़ल है, मंदिर मस्जिद वाह वाह वाह, मंदिर मस्जिद वाह वाह वाह, मंदिर मस्जिद वाह वाह वाह, हिंदू मुस्लिम वाह वाह वाह, आज़ादी से पहले भी तुम, आज़ादी से पहले भी तुम, आगे भी तुम, पीछे भी तुम, सत्य चिरंतन हो जैसे तुम, ईश्वर ईश्वर वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह वाह वाह वाह। तो ये कैसी दुकानें खोली दिनेश जी, ये कैसी दुकानें खोली, इंसानों के खून की होली, फिर भी नोटों से तर झोली, चोटी चोटी वाह वाह वाह, दाढ़ी दाढ़ी वाह वाह वाह। तो अंतिम क्षण देखें आप कि न्यायालय चल रहे तुम्ही से, न्यायालय चल रहे तुम्ही से, पार्लियामेंट हिल रही तुम्ही से, न्यायालय चल रहे तुम्ही से, पार्लियामेंट हिल रही तुम्ही से, और कुर्सी भी मिल रही तुम्ही से, गुरुडम गुरुडम वाह वाह वाह, तिकड़म तिकड़म वाह वाह वाह, गुरुडम गुरुडम वाह वाह वाह, ईश्वर ईश्वर वाह वाह वाह। और एक गीत और मैं आपको सुना रहा हूँ, ये भी गीत ही था, इसका शीर्षक है हम सर्जक हैं। एक जैसे ब्रह्मा होता है देवताओं में, सृजन करता है, ऐसे कवि को सर्जक कहते हैं, वो दुनिया को नए तरीके से फिर रचता है, इसी दुनिया को। तो हम
सर्जक हैं समय सत्य के। हम कौन हैं, हम लेखक क्या है, हम सर्जक हैं समय सत्य के, नई जिंदगी को स्वर देंगे। मैली बहुत कुचैली चादर, मैली बहुत कुचैली चादर, घर की मर्यादा बतलाकर इसे नहीं धोने देते हैं मुर्दा संस्कृति के सौदागर। वे इसको जर्जर करते हैं, वे इसको जर्जर करते हैं, अरे हम इसमें तारे जड़ देंगे, नई जिंदगी को स्वर देंगे। तो पाखंडों के नगर बसाकर, पाखंडों के, देखिए कबीर ने पाखंडों पे हमला किया था और तुलसी ने भी किया है, तो पाखंडों के नगर बसाकर प्रवचन झाड़ रहे हैं तस्कर, पाखंडों के नगर बसाकर प्रवचन झाड़ रहे हैं तस्कर, जिधर दृष्टि डालो पतझर है। जो आप कह रहे थे कि पतन क्यों है, जिधर दृष्टि डालो पतझर है, यह कैसा आया संवत्सर। वे युग को बर्बर करते हैं युद्धों से, यूक्रेन युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन युद्ध चल रहा है, तो वे युग को, फिर पूरे युग की बात कर रहा है कवि, वे युग को बर्बर करते हैं, हम इसमें अमृत भर देंगे। तो एटम डॉलर की ताकत पर, एटम डॉलर की ताकत पर रौब गांठते दुनिया भर पर। एटम ये युद्ध कराने वाले देश हैं, तो एटम डॉलर की ताकत पर रौब गांठते दुनिया भर पर। यह तो उनका मरण पर्व है, अब अंतिम समय है, यह तो उनका मरण पर्व है, समझ रहे जिसको जन्मांतर। तो वे इसको कर्कश करते हैं, वो जिंदगी को कर्कश करते हैं, वे इसको कर्कश करते हैं, और हम इसको नव लय स्वर देंगे, हम इसको नव लय स्वर देंगे, नई जिंदगी को स्वर देंगे। और अंत में अगर आपका हो तो देखिए, मैंने कहा था मैं फ्री वर्स में भी लिखता हूँ, तो एक फ्री वर्स पोईम आपको सुना के इसको मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, गीतों का जो ये है कविताओं का। इसका शीर्षक है अहिंसक मुल्क में। अहिंसक मुल्क में, हम तो कहते हैं अहिंसा का देश है, लेकिन हम देख रोज अखबार उठाते हैं तो उसमें हत्या लूट और इनकी खबरें पढ़ने को मिलती हैं ना दिनेश जी। तो अहिंसक मुल्क में बहती है अनवरत खून की धार, जवान हसरतें अचानक हो जाती हैं बर्फीले कुहासे में गुम। इस बेरहम दुनिया को कहती हैं अलविदा बेनागा, कभी सड़क पर कभी रेल की पटरियों पर लहूलुहान, कभी सड़क पर कभी रेल की पटरियों पर लहूलुहान, कभी खेत में अचेत, कभी खेत में वो छिड़कते हुए दवाई मर जाते हैं हमारे किसान भाई, तो कभी खेत में अचेत, कभी उजड़ी हुई बस्तियों के बीच हलकान, कभी बंद कमरों में पंखों से लटकी हुई। ये हमारे शहर की भी सच्चाई है नौजवान बच्चों की, तो कभी बंद कमरों में पंखों से लटकी हुई, कभी सल्फास की गोलियां खाकर चिर निद्रा में निमग्न। अहिंसक मुल्क में बहती है अनवरत खून की धार, कभी कारखाना बंद होने पर, हमारे शहर के सारे कारखाने बंद हो गए एक ही दौर में। अहिंसक मुल्क में बहती है अनवरत खून की धार, कभी कारखाना बंद होने पर, कभी फसल की तबाही पर, कभी दहेज न जुटा पाने पर, और कभी परीक्षा में हुई हार पर, कभी लीक से हटकर चलने पर, कभी लीक से हटकर चलता है, तो कभी लीक से हटकर चलने पर, कभी जालिमों के आगे सर न झुकाने पर, कभी जालिमों के आगे सर न झुकाने पर, कभी लूट की इमारत पर उंगलियां उठाने पर, कभी लूट की इमारत पर उंगलियां उठाने पर। यही है अहिंसक मुल्क की सच्चाई, यही है बापू के देश है हमारा, यही है जिनको खुद ही मार दिया गया अहिंसा के पुजारी को, तो यही है अहिंसक मुल्क की सच्चाई और यही है उसकी बुनियाद। इसी बुनियाद पर टिके हैं गोल गुंबद में बहसते नुमाइंदे, इसी बुनियाद पर टिके हैं गोल गुंबद में बहसते नुमाइंदे, इसी बुनियाद पर होते हैं अरबों खरबों के सौदे, इसी बुनियाद पर होते हैं अरबों खरबों के सौदे, इसी के साथ खुलती हैं अहिंसक मुल्क के सूरज की आंखें, और इसी के साथ बंद होती हैं उसकी पलकें, इसी बुनियाद पर थिरकते हैं सभ्यता और संस्कृति के पांव, इसी
बुनियाद पर, दिनेश जी ध्यान दीजिए, इसी बुनियाद पर थिरकते हैं सभ्यता और संस्कृति के पांव, इसी पर दम तोड़ते हैं, इसी पर दम तोड़ते हैं करोड़ों आँखों के सपने, इसी पर दम तोड़ते हैं करोड़ों आँखों के सपने, भरी दोपहरी में हो जाती है गुप अंधेरी रात, जब मर्डर होता है गुप अंधेरी रात, भरी दोपहरी में हो जाती है गुप अंधेरी रात, अहिंसक मुल्क में बहती है अनवरत खून की धार, अहिंसक मुल्क में बहती है अनवरत खून की धार। नेहा साहब आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।